हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि जॉन मिल्टन आपके जो लिटरेरी फिगर हैं सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उन पे बेस्ड ऑन है। तो 2004 से लेकर के 2021 तक के अभी तक के जितने क्वेश्चंस हैं आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ये सेशन आपका होगा। तो एक थोड़ा सा लंबा सेशन होगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन हमने 2004 से 2021 तक के इंक्लूड करे हुए हैं। तो बने रहिए सेशन में और चलिए क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। जहां भी डाउट होंगे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, और इसके साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ब्लाइंड, ये क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है 2004 का टीजीटी के पेपर में पूछा गया है, यूपी टीजीटी के पेपर में। ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, पीजी वुडहाउस या अल्फ्रेड टेनिशन। तो आप सभी जानते हो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जॉन मिल्टन से रिलेटेड, और इसका जो आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन चारों ऑथर्स में से जो ब्लाइंड हुआ था दैट वाज जॉन मिल्टन। ठीक है, अभी इसके आगे डिस्कशन करेंगे किस ईयर में हुआ था और क्या एज थी उनकी उस टाइम ड्यूरेशन में। ये सब कुछ हमारा इसी से आज क्लास में मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जॉन मिल्टन से रिलेटेड स्पेशली बनते हैं या पिछली बारी के एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है पैराडाइज रीगेन्ड वॉज अ वर्क ऑफ, देखिए 2004 के पेपर में ये आपका क्वेश्चन था। जॉन मिल्टन का है, वर्ड्सवर्थ का है, शेक्सपियर का है या विलियम पिट का है? तो ऑब्वियसली वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। पैराडाइज रीगेंड की बात करें, पैराडाइज लॉस्ट की बात करें, दैट वाज द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। ओके, तो फ्रेंड्स इस सेशन को ना थोड़ा सा हम जल्दी से करेंगे, क्योंकि बहुत से इजी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे आज के सेशन में जो आपको जॉन मिल्टन से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आपका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो क्या मिलता है आपको यूपी से रिलेटेड एग्जाम में, यूपी टीजीटी के एग्जाम में। आगे हम डिस्कस करेंगे जो 21 का पेपर होगा और साथ ही साथ 2016 का जो पेपर हुआ है उसमें थोड़ा सा लेवल आपका थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस मिलने लगते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कॉस्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, 2005 में ये पूछा गया है टीजीटी के पेपर में। ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन बी ब्रिटेन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ऑप्शन सी है पैराडाइज रीगेन्ड, ऑप्शन डी है प्रो सी फेंसियो। तो करेक्ट जो इसका आंसर है, अगर इस आंसर की बात करते हैं जल्दी से मुझे दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ये है हमारा ऑप्शन सी। ओके, किस पे डाउट क्रिएट करता है? डाउट कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द पैराडाइज रीगेंड, ऑप्शन सी है हमारा ये। और ये एक तरीके का थियोलॉजिकल ट्रिटी है जो लिखा है मिल्टन ने, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। तो कभी कभी एग्जाम में थोड़े से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकता है थियोलॉजिकल ट्रिटी ऑफ मिल्टन। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन फोर है, क्वेश्चन फोर है, 2005 में पूछा गया है। मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क, आपको आंसर इसमें करना है किस वर्क के लिए मिल्टन को जो था वो लैटिन सेक्रेटरी पोजिशन अपॉइंट की गई थी क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट में। ऑप्शन ए है पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन बी रीजंस ऑफ चर्च गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन डिफेंसियो सेक्यूंडा। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है जल्दी से इसका आंसर करिए। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे 2005 में टीजीटी के पेपर में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी है ऑन द टेन्योर ऑफ द किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, ऑन द टेन्योर ऑफ द किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से इन्हें लैटिन सेक्रेटरी क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट में अपॉइंट किया गया था, और वो कौन थे? मिल्टन को अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन क्वेश्चन फोर का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कम्यूज बाय जॉन मिल्टन इज इन द फॉर्म ऑफ, 2005 में पूछा गया था। कम्यूज किस तरीके का वर्क है जॉन मिल्टन का? इट इज अ मास, इट इज अ एपिक, इट इज अ हिम और इट इज अ लिरिक। तो किस तरीके का वर्क है कम्यूज, इसका आंसर, और आप सभी इस जानते होंगे
दिस इज अ मास्क. ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. तो अभी तक के अगर हम क्वेश्चंस देखें 2004 एंड 5 के, तो एक दो क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपके अभी तक इजी लेवल हैं. तो ये आपका है लुडलो कैसल में ये आपका प्रेजेंट हुआ था, ठीक है, इसको प्रेजेंट किया गया था. कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ये मास्क किस कैसल में प्रेजेंट हुआ था, तो दैट वॉज द लुडलो कैसल. ओके, ऑप्शन यहाँ पे लुडलो कैसल ये आप मेंशन कर लीजिएगा. और इसका पब्लिकेशन ईयर आप सभी जानते हो, ये पब्लिश हुआ है 1634 में, ठीक है. अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 6 क्वेश्चन, 2005 टीजीटी के पेपर में से है. सैमसन एगोनिस असोस मिल्टन डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज एंड ऑप्शन सी है द स्टोरी ऑफ सैमसन वॉज कीन टू हिज ओन लाइफ या द बिटर आयरनी विच विद विच ही कुड राइट. तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है, सैमसन एगोनिस से रिलेटेड है. सैमसन एगोनिस शोज मिल्टन डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजिडीज. ठीक है, ग्रेविटी और काम डिग्निटी के बारे में, ग्रीक ट्रेजिडीज के बारे में इस वर्क के थ्रू मिल्टन ने बात करने की कोशिश की है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नंबर 7 क्वेश्चन है, एलेग्रो एल पेंसरेसो मीन, इसका मतलब क्या होता है. टीजीटी 2005 में क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है अगर इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. तो ऑप्शन ए है द ब्लाइंड मैन एंड द अनहैप्पी मैन, ऑप्शन बी द डेस्परेट मैन एंड द पेंसिव मैन, ऑप्शन सी द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन, या ऑप्शन डी है द फिलोसोफर एंड द स्टॉलवर्ड. व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो, व्हिच आर द कंपेनियन पोएम्स ऑफ द जॉन मिल्टन. तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट होगा. एलेग्रो का मतलब होता है जॉयस मैन, और ऑप्शन एल पेंसरेसो का जो मतलब होगा वो हमारा होगा मेडिटेटिव मैन, या ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. ओके, जॉयस मैन एंड मेडिटेटिव मैन. अगला क्वेश्चन है नंबर 8, 2005 से ही पूछा गया है. द पैराडाइज लॉस्ट वॉज कम्प्लीटेड बाय, किस ईयर में इसको कम्प्लीट किया गया था, इसका आंसर देना है. पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. कभी कभी क्वेश्चन ये आपका जैसे मोस्टली जो बनता है कि किस ईयर में पब्लिश हुआ है, बस यहाँ पे आपका कम्प्लीशन बता रहा है कि किस ईयर में इसको कम्प्लीट किया गया था, 1666 या 1665, 1667 या 1663. कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है, और इन चारों ऑप्शन के आंसर की बात करते हैं. आपके पास टाइम है थोड़ा 30 सेकेंड्स का, आप जल्दी से टाइम कर दीजिए, इसको मेंशन कर दीजिए, और बाकी हम आंसर की बात करेंगे. इसको किस ईयर में इसको कंप्लीट करा गया था मिल्टन के थ्रू, एंड दैट वॉज द टाइम. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये यहाँ पे ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी की जगह ऑप्शन बी होगा, 1665 वाज द टाइम ड्यूरेशन जब ये वर्क जो था वो कंप्लीट हुआ था, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के थ्रू, और इसको जो पब्लिश कराया गया था वो ये ईयर था 1667. तो सी नहीं होगा, 1665 ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसी ईयर में पैराडाइज लॉस्ट वर्क जो था वो कंप्लीट हुआ था. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, टीजीटी 2005 से है. जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द क्राइस्ट मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज रिटन व्हेन द पोएट वॉज द एज, किस ईयर में या कौन सी एज में जॉन मिल्टन थे जब ये वर्क इनका लिखा गया था, या इन्होंने अपना वर्क लिखा था ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी. ठीक है, ऑप्शन ए है 24 ईयर्स, ऑप्शन बी है 26 ईयर, ऑप्शन सी है 21 ईयर्स, या ऑप्शन डी है 35 इयर्स. तो आप इसका जल्दी से मुझे आंसर करिए कि उस टाइम पे मिल्टन की एज क्या थी जब ये वर्क, ये ओड उन्होंने लिखा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, तो दैट वाज द टाइम ये था. आई थिंक यहाँ पे आपका 21 इयर्स होना चाहिए. सी आंसर नंबर करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. और क्योंकि मिल्टन ने इसको पब्लिश कब करा था, अगर पब्लिकेशन की बात करें तो 1629 में पब्लिश हुआ है. ठीक है,
1629 वॉज द ईयर जब ये वर्क इनका पब्लिश हुआ है, और इसी ईयर में, क्योंकि 1608 में इनका बर्थ हुआ था, तो आप समझ लीजिए 21 ईयर्स के थे जब इन्होंने लिखा हुआ है। तो 1608 में 21 ईयर आप एड ऑन कर दीजिए, आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, ही वॉज एट द एज ऑफ द 21 ईयर्स व्हेन ही हैड रिटन दिस वर्क ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ओके, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैस्टोरल पोएम बाय मिल्टन। पैस्टोरल पोएम कौन सी है मिल्टन की, 2006 में पूछा गया है टीजीटी के पेपर में। एडोनिस है, थायरिसिस है, लिसिडास या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हम सभी जानते हैं और आपने भी इसको करेक्टली अटेम्प्ट किया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज लिसिडास। ओके, एडोनिस किसका है, ये हमारा है शेले का, किड्स की डेथ पर लिखा है। थायरिसिस किसका है, थायरिसिस आपका है यहाँ पे एर्नोल्ड का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 11। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट, किसकी ये स्टेटमेंट है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है, वेरिटी, मैकमिलन, बुश या पैटिशन। किसने इस क्वेश्चन बोला है कि मिल्टन का जो पोएट्री है वो उनके कैरेक्टर्स का एक तरीके से मिरर है, इज अ मिरर, जिसमें राइटर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं इनकी जो पोएट्री है। आप ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी, मैकमिलन। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी कोटेशन आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 12। द पीरियड मिल्टन एज द एज ऑफ मिल्टन इज, बताइए। 2006 का पेपर क्वेश्चन है। मिल्टन का एज या टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि कौन सा टाइम ड्यूरेशन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मिल्टन के एज के नेम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है 1621 टू 1681, या ऑप्शन बी है 1620 टू 1665, ऑप्शन सी 1625 टू 1660, या ऑप्शन डी है 1628 टू 1655। विच वन इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर करिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से आपके स्क्रीन पे रहा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1625 टू 1660, जिसको हम प्यूरिटन एज के नेम से भी जानते हैं, और इसी टाइम ड्यूरेशन को एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13। द एज ऑफ मिल्टन हैड थ्री काइंड्स ऑफ पोएट्स, बताइए कौन कौन से पोएट्स उस टाइम ड्यूरेशन में अपनी पोएट्री को लिखा हुआ है, या किस ग्रुप से वो पोएट्स बिलोंग करते थे जिसमें मिल्टन का टाइम ड्यूरेशन था, जिस टाइम में उसमें रिलीजियस हेरोइक या प्यूरिटन्स पोएट्स थे, या मेटाफिजिकल कैवेलियर प्यूरिटन्स थे। ऑप्शन सी मेटाफिजिकल रोमांटिक ड्रामेटिक थे, या ऑप्शन डी कैवेलियर रिलीजियस या क्लासिकल थे। तो इसका बहुत ही इजी आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी, मेटाफिजिकल कैवेलियर एंड प्यूरिटन्स वर द पोएट्स हु हैड रिटन देयर पोएट्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एज ऑफ मिल्टन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 14। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ, चलिए बताइए ये क्वेश्चन कि पैराडाइज लॉस्ट जो था मिल्टन ने अपने किस फेज में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए फर्स्ट फेज, ऑप्शन बी लास्ट फेज, ऑप्शन सी है मिडिल फेज, या ऑप्शन डी है स्टूडेंट फेज। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है, और बहुत ही ईजी इसका आंसर है, आप सभी जानते हो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि 1667 में ये पब्लिश हुआ है और 1665 में ये कंप्लीट हुआ है। 1608 से 1674 का टाइम ड्यूरेशन जो था वो जॉन मिल्टन का टाइम ड्यूरेशन था, ये है इनका 8 से 1674, ठीक है, इस बर्थ ये हुआ था और इस ईयर में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो जब 1665 में कोई वर्क लिखा गया है तो वो उनका क्या होगा, लास्ट फेज होगा, ठीक है। तो ये हमारा है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय मिल्टन, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा 2006 में, और ये भी 2004 में शायद आपसे पूछा था मैंने, मीन्स किस ईयर में था ये कन्फर्म्ड, 2004 में आई थिंक ये क्वेश्चन था आपका, या 2005 में था।
अब देखिए 2006 में फिर से यही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय मिल्टन, थ्यूमस, एरोपेजिटिका, लिसीडास या नन ऑफ दीज। और आप सभी जानते हो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, कोम्यूज इज द मास्क, क्योंकि लिसीडास एलेजी पोयम है, एरोपेजिटिका एक तरीके का पैम्फलेट है जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए दिया था। अब ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा नंबर 15 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 17, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी इज आ। चलिए अभी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपका था कि ये कब या किस ईयर में इन्होंने लिखा था, कितने ईयर के जॉन मिल्टन थे जब ये ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी वर्क उन्होंने लिखा हुआ है। बट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज अ, दैट इज अ सोनेट, ओड, मास, या पेस्टोरल एलिजी। 2009 के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ओड है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि पब्लिश कब हुआ है 1645 में। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ, और आप इसको बिल्कुल मत स्किप करिएगा नोट डाउन करने में अपने नोट्स में। ठीक है, तो 1645 में ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी वर्क जो था वो पब्लिश हुआ था, जो कि एक ओड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। देखिए ये क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से वर्क जो है वो मिल्टन का है, नोवम ऑर्गनम, इंडिमियन, प्रोमेथेलियन या डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हमारा होगा, क्योंकि ये वर्क जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन का। नोवम ऑर्गनम की बात करें तो ये बेकन का वर्क है, इंडिमियन आप सभी जानते हो कीट्स का है, एंड यहाँ पे प्रोथेलियन जो है ये हमारा मिल्टन का, सॉरी ये हमारा स्पेंसर का वर्क आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला बी जो है वो मिल्टन का है, पहला जो है ए है जो वो बेकन का है, इंडमियन जो है वो किड्स का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन, ऑन द फॉलोइंग पोएट्स Which was nicknamed the Lady of Christ by his fellow graduates, undergraduates, spot the correct name of the poet. देखिए ये क्वेश्चन इनके अर्ली लाइफ से रिलेटेड है, जब ये कॉलेज में जाते थे या स्कूल में पढ़ते थे, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है कि उस पोएट का निकनेम बताना है जिसको लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नेम से बोला जाता है, क्योंकि बहुत डेलिकेट इनका फीचर था जॉन मिल्टन का, इसी वजह से इनको ये एक तरीके से निकनेम दिया गया था। तो आंसर ऑप्शन ए, 2009 में ये पूछा गया, ऑप्शन ए मिल्टन, स्पेंसर, शेक्सपियर, मॉलो, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिल्टन के बारे में बात हो रही है, मिल्टन वॉज निकनेम्ड एज द चाइल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, लेडी ऑफ द क्राइस्ट इज द निकनेम ऑफ जॉन मिल्टन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन, विच ऑफ व्हेन द असर वॉज इंटेंडेड द सिटी इज द सोनेट रिटन बाय। देखिए ये क्वेश्चन एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि हम मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं या जो वर्क्स हमें ध्यान में रहता है, कोम्यूज हो गया, लिसीडास हो गया, पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगेनिस्ट, एरियोपेजिटिका, ऐसे कुछ वर्क्स हैं जो हमको बहुत अच्छे से मेमोराइज हैं जॉन मिल्टन से रिलेटेड। बट ये क्वेश्चन है ऐसा, When the assault was intended in the city is a sonnet by, ये क्वेश्चन है किसका है, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ आपका है या स्पेंसर है, शेक्सपियर है। 2009 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और एक अगर सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इससे रिलेटेड तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपका, तो वो बाकी यहाँ पे तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं मिल्टन से रिलेटेड, तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 21, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, किसने ये बोला है मिल्टन के लिए। 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन, एक कोटेशन है मिल्टन के ऊपर, अर्नॉल्ड ने बोला है, वर्ड्सवर्थ ने बोला है, ग्रे ने बोला है या टेनिसन ने बोला है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन
डी. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. टेनिशन हैड सेड दिस लाइन अबाउट जॉन मिल्टन दैट ही वॉज गॉट गिफ्टेड ऑर्गन वॉयस ऑफ इंग्लैंड. ओके, 2009 का ये क्वेश्चन है, नंबर 21. अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 22. वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क मेंशन दैट. 2009 में पूछा गया है. लिसिडास है, पैराडाइज रीगेंड है, पैराडाइज लॉस्ट है, या एरोपेजिटिका. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिल्टन का इन चारों में से कौन सा प्रोज वर्क है. ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप सभी जानते हो. यहाँ पे ये होना चाहिए था पी ए, यहाँ पे होना चाहिए था. एरियोपेजिटिका है तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डी आएगा. एरियोपेजिटिका इज अ प्रोज वर्क ऑफ मिल्टन. कब ये पब्लिश हुआ है इसको भी मैं आपको बता दूं, 1644 में ये पब्लिश हुआ है. ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए. 1644 वॉज द टाइम जब इस वर्क को मिल्टन ने पब्लिश करा है. एंड दिस वॉज अगेंस्ट द लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप. ठीक है, ऑफ प्रेस, लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप से रिलेटेड है प्रेस के, उसके अगेंस्ट में ये वर्क लिखा गया था. एक प्रोज वर्क है जो कि मिल्टन ने लिखा हुआ है एंड द नेम ऑफ दैट प्रोज वर्क इज एरियोपेजिटिका. कब पब्लिश हुआ है, 1644 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज अ, बताइए क्या है. हैज नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट, इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस, क्वाइट ऑब्जेक्टिव, या है हैज नन ऑफ द अबव क्वालिटीज. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर. एक तरीके का न्यू क्वेश्चन है अगर इसकी बात करें, जो 2009 में पूछा गया है. तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. इट इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस. ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सैटर्न के कैरेक्टर में कहीं ना कहीं मिल्टन ने अपने आप को देखा हुआ है और उन्होंने कुछ ऐसे वर्क्स का मेंशन करा हुआ है जो इनके ऑटोबायोग्राफिकल एक तरीके का टच देता है इस एपिक पोयम को. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 24 क्वेश्चन है स्क्रीन पे. हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2009 में पूछा गया है. गॉड, एडम, सैटन एंड नन ऑफ दीज. तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी. फ्रेंड्स मुझे प्लीज मेंशन करिएगा कि क्या आपको क्वेश्चन या सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है या इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वही हैं जो कि आपके यूपी टीजीटी के पेपर में पूछे गए हैं. 2004 से 2021 के क्वेश्चंस जॉन मिल्टन से रिलेटेड आज हम डिस्कस कर रहे हैं. अलग अलग ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक के एग्जाम्स में इन ऑथर से पूछे गए हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, तो एक बार फिर से आप इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए. और साथ ही साथ नए व्यूअर हो इस चैनल पे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 25. द स्टेटमेंट अदर्स अबेड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री रेफर्स टू. देखिए ये किसके लिए बोला गया है और अभी मैं बताऊंगी ये किसने बोला भी है. ऑप्शन ए है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु अबाउट हुम दिस स्टेटमेंट इज सेड, किसके बारे में ये स्टेटमेंट कहा गया है. ऑप्शन ए है मिल्टन, ऑप्शन बी एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर. तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप सभी जानते हो. ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी है. देखिए 2009 में यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया है जो कि इसी सेक्शन में इनसे पूछा गया है. और बाकी ये क्वेश्चन तो हमारा जो आएगा ये शेक्सपियर के लिए है और इसको किसने बोला, किसने है, एर्नॉल्ड ने. ठीक है, ये जो कोटेशन है ये एर्नॉल्ड ने शेक्सपियर के लिए बोला है. ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा और बहुत इजी आंसर है इस क्वेश्चन का. अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ये लाइन कहाँ पे अकर होती है. 2009 में पूछा गया है. लिसिडास, कोम्यूज, पैराडाइज लॉस्ट, या ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं ऑप्शन डी है. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये लाइन बोली गई है. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. और आप सभी जानते हो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है मिल्टन ने लिखी हुई है जब उनकी आई साइट लॉस्ट हो गई थी.
तो उसको लैमेंट करते हुए ये पोयम उन्होंने लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 27। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज प्रेज फॉर इट्स लाइटनेस ऑफ टच, ग्रैंड स्टाइल, इट्स सटायरिकल टोन या नन ऑफ दीज। किसके लिए मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है वो जानी जाती है, उसका प्रेज होता है। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, पैराडाइज लॉस्ट वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल, क्योंकि मिल्टन की जो स्टाइल है पैराडाइज लॉस्ट लिखने की, दैट इज यूनिक एंड ग्रैंड स्टाइल। नेक्स्ट नंबर 28 क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू बुक्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2009 में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से आप सभी को मैं बता दूं बहुत बारी एग्जाम में रिपीट करा गया है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। न्यू जो बिगिनर्स हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे यूपी टीजीटी का, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा ये क्वेश्चन। 10 बुक्स में 11 या 9 बुक्स या 12 बुक्स, और इसका आंसर है बहुत इजी आंसर, 12 बुक्स में। ओके, इट वाज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, और 12 बुक्स का कंप्लीशन कब हुआ था, 1674 में पब्लिश हुआ है पैराडाइज लॉस्ट, कब, 12 बुक्स के साथ में, ठीक है। नंबर 29, सैमसन अगोनिस बाय मिल्टन इज अ, 2009 का क्वेश्चन है, इट इज अ प्ले, इट इज अ लॉन्ग पोएम, इट इज अ मास्क और इट इज अ लॉन्ग ट्रीटीज। चलिए क्वेश्चन बताइए, सैमसन अगोनिस की बात करते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज अ प्ले, ठीक है। ये ड्रामा है सैमसन अगोनिस, पैराडाइज रीगेंड के साथ में ये पब्लिश हुआ है, कब, 1671 में। ओके, तो 30 क्वेश्चन है, द वुमेन कैरेक्टर डेलिला अपीयर्स इन, 2010 के पेपर में ये पूछा गया है टीजीटी के, कि डेलिला का जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे अपीयरेंस होता है, किस वर्क में। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर फास्टस भी पूछ लिया है, ऑप्शन में दे दिया है, ट्वेल्थ नाइट भी दे दिया है, सैमसन अगोनिस भी दिया है और उसके साथ साथ मैकबेथ भी दिया है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेलिला का कैरेक्टर जिसकी बात करते हैं तो ये आता है ऑप्शन बी में। ओके, ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज सैमसन एगोनिस्ट। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 31, हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट मिल्टन, मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। बहुत ही फेमस रिमार्क है, अगर हम मिल्टन के बारे में बात करते हैं, उनके पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये रिमार्क आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, जो कि टिलीलार्ड ने बोला है या कॉलरिज ने बोला है, ब्लेक ने बोला है या क्रिस्टोफर हिल ने बोला है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विलियम ब्लेक ने ये कोटेशन बोला है, डब्ल्यू ब्लेक, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, डब्ल्यू ब्लेक, विलियम ब्लेक इज द करेक्ट आंसर। एंड फ्रेंड्स, ये रिमार्क विलियम ब्लेक का है जो कि मिल्टन के लिए बोला है, उनका एक सिंपैथेटिक जो टच था, आप सभी जानते हो, जो सैटन को जिस तरीके से कैरेक्टराइज किया है या डेविल्स को जिस तरीके से उन्होंने सिंपथाइज किया है इस वर्क पैराडाइज लॉस्ट में, इसी वजह से ब्लेक ने ये रिमार्क मिल्टन के लिए दिया है। 32 क्वेश्चन है, द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन अकर्स इन, बताइए 2010 के पेपर में पूछा गया है, किस वर्क में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है और किसने इस लाइन को बोला है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है हु सेड दिस रिमार्क, या ये क्वेश्चन हो सकता है जो अभी आपकी स्क्रीन पे है कि इन विच वर्क दिस लाइन अकर्ड, तो लिसीडास में, पैराडाइज रीगेंड में, कम्यूज में या पैराडाइज लॉस्ट में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट में ये कोटेशन, ये लाइन बोला है, किसने बोला है, ये रिमार्क किसका है, सैटन का है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ सैटन का ये रिमार्क है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर 33, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉज, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अगर अभी हम यहाँ पे मिल्टन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता है, बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में रैंडम पूछ लिया गया आपसे तो कहाँ के आप उसको करेक्ट आंसर करना है, वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। जॉन मिल्टन ने लिखा है सैमसन एगोनिस्ट को, ये एक वर्क है जो कि 1671 में पैराडाइज रीगेंड के साथ में पब्लिश हुआ है, बार बार मैं बोल रही हूँ इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, 2010 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए सैमसन एगोनिस्ट से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछ गए हैं अभी तक के पेपर में, जो 2010 तक हमने डिस्कस करा हुआ है,
तो घुमा फिरा के बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर तो यहाँ पे नंबर 34 क्वेश्चन है, ऑफ विच पोयम इज द फॉलोइंग लाइन अ पार्ट, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन। और ऑप्शन ए है लिसीडास, ऑप्शन बी स्कॉलर जिप्सी, ऑप्शन सी थॉमस ग्रेस एलेजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्च यार्ड या इन मेमोरियम, विच इज द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे ए ना हो करके ये हमारा आएगा सी, ठीक है, सी होगा। इवन हम डिस्कस कर रहे हैं मिल्टन का क्वेश्चन, बस कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये हमारा है थॉमस ग्रे के एलेजी ऑन अ रिटन ऑन अ कंट्री चर्च यार्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर है। 35 क्वेश्चन है, मिल्टन वॉज एंड एलिजाबेथन पोएट, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट या जैकोबियन पोएट या आपका क्लासिकल पोएट है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए कि ही वॉज दी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ही वॉज दी बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। ओके, ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 36 क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, 2013 में पूछा गया है, 46, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 44 या ऑप्शन डी है 48, तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, एट द एज ऑफ 44, ओके 44 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा 44 ईयर्स होगा, एट द एज ऑफ 44 कर दे सकते हैं, देखिए। और 44 की बात करते हैं तो इनका जो होगा ये आपका आएगा 1652 में ये पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे, 1652 वॉज द ईयर बिकेम ब्लाइंड, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। तो कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किस ईयर में मिल्टन ब्लाइंड हुए थे, व्हाट वाज द ईयर, यहाँ पे एज पूछा जा रहा है कि उनकी एज क्या थी, उनकी उम्र क्या थी उस टाइम पे जब मिल्टन पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे। बट समटाइम्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच ईयर ही मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, तो दैट वॉज द ईयर 1652, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 37, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगनिस्ट, फिर से रिपीट किया गया क्वेश्चन है 2013 में, वर्स प्ले लिरिक या एक है आपका एपिक प्ले, लिरिकल ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, दिस इज अ वर्स प्ले, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 38 है, कंप्लीट द सेंटेंस, सैमसन सॉरी मिल्टन्स एरियोपेजिटिका कंसर्न्स विद, ऑप्शन यहाँ पे है 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे, लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी है लिबर्टी ऑफ प्रेस, ऑप्शन सी है फ्रीडम ह्यूमैनिटी, ऑप्शन डी है फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है। अगर फ्रेंड्स इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, लिबर्टी ऑफ प्रेस, ओके, लिबर्टी ऑफ प्रेस से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको ऑप्शन बी पे टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ईयर मिल्टन्स लिसीडास वाज पब्लिश रिटन, लिसीडास का राइटिंग ईयर क्या है, 2013 का पेपर है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है, तो ये कब पूछा गया है आप मुझे इसका बताइए, 1638 में ये लिखा गया है, 1637 में ये लिखा गया है, या आपका 1632 में, या है आपका 1636, विच वन इज द करेक्ट आंसर, कब ये कंप्लीट हुआ है, तो ऑप्शन हमारा है बी, 1637 इज द रिटन, ठीक है, ये राइटिंग इस ईयर में हुई थी, बट पब्लिकेशन की बात करें तो पब्लिश्ड कब हुआ था, लिसीडास जो था वो पब्लिश हुआ है 1638 में, ओके 1638 में ये पब्लिश हुआ है, और लिखा कब गया था, ये कंप्लीट हुआ था 1637 में, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 39 के बाद 40 क्वेश्चन है आप सभी के लिए स्क्रीन पे, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश, अब देखिए पब्लिकेशन ईयर से आ गया, अभी क्वेश्चन आया था कि किस ईयर में मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो था वो कंप्लीट हुआ था, तो 1668 है, 1670 है, 1667 या 1665, आप सभी ऑप्शन सी पे करेक्ट करिए, 16
67 इज द करेक्ट आंसर. इसी ईयर में मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है विद 10 बुक्स. ओके, अगला क्वेश्चन है नंबर 41. हु इज द राइटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या आपका है जॉन गॉल्सवर्थी. हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर का नेम बताना है. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. दिस इज द बुक ऑफ जॉन मिल्टन. अगर इसकी बात करें तो ये एक तरीके का हमारा जो वर्क है ये प्रोज वर्क है और अनफिनिश्ड है. ठीक है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, अनफिनिश्ड प्रोज वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में जो था वो पब्लिश हुआ है. अलग अलग फैक्ट्स मैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता दे रही हूँ. हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इज अ अनफिनिश्ड प्रोज वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, पब्लिश्ड इन द ईयर 1670. नंबर 42 क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस. मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज. 2013 में पूछा गया, इट इज अ क्लासिकल, प्लेन, ग्रैंड और ऑर्नामेंटल. विच काइंड ऑफ स्टाइल इज मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल, दैट इज ऑप्शन सी. बिना डाउट के ऑप्शन सी पे हम करेक्ट करेंगे. 43 क्वेश्चन है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक. 2013 में फिर से रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन. तो ये है हमारा ऑप्शन ए, 12 बुक के साथ में ये पब्लिश हुआ है. ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. 12 बुक के साथ में इसको पब्लिश किया था, या 12 बुक में, फिर पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं. ओके, नंबर 44, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय. चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. चलिए, लाइफ ऑफ मिल्टन के बारे में किसने लिखा हुआ है, ये जो एक तरीके का वर्क है ये किसने लिखा है, सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब या जॉन ड्राइडन. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. सैमुअल जॉनसन ने लाइफ ऑफ द पोएट्स में ये लिखा हुआ है, लाइफ ऑफ मिल्टन 52 पोएट्स के बारे में सैमुअल जॉनसन ने बात की है उस वर्क में, और लाइफ ऑफ मिल्टन इज वन ऑफ देम. ठीक है, तो लाइफ ऑफ मिल्टन जो लिखा गया है वो सैमुअल जॉनसन ने लिखा हुआ है. अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, व्हेन वाज मिल्टन बॉर्न. जॉन मिल्टन किस ईयर में बॉर्न हुए हैं. 2011 का क्वेश्चन है. 2022 अप्रैल 1600, 19 अगस्त 1604, 9th ऑफ दिसंबर 1608 या 6th ऑफ जून 1606. तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी. ओके, 9th दिसंबर 1608 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द आंसर. अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज मिल्टन बॉर्न. देखिए, 2011 में दो दो क्वेश्चन इनके बर्थ ईयर से रिलेटेड ही पूछ लिया गया है. कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन ए ब्रिस्टन, ऑप्शन बी यॉर्कशायर, ऑप्शन सी लिवरपूल, ऑप्शन डी लंदन. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लंदन. ओके, लंदन इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है नंबर 47. और फ्रेंड्स, ऐसे ही आप सेशन में पार्टिसिपेट करते रहिए, और अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं, अलग अलग वीडियोस जो हैं इस चैनल पे अपलोडेड हैं, उनको भी वॉच आउट करते रहिए. अब चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. इन हूज मेमोरी डिड मिल्टन राइट, मी थॉट आई सॉ माय लेट स्पाउस सेंज्ड. चलिए, ऑलिवर क्रॉमवेल या कैथरीन वुडकॉक, चार्ल्स फर्स्ट या मैरी पॉवेल. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कैथरीन वुडकॉक. शी वॉज द वाइफ ऑफ द जॉन मिल्टन, और इनके लिए ये लिखा हुआ है, मी थॉट आई सॉ माय लेट स्पाउस सेंज्ड. ओके, अगला क्वेश्चन है, When was Paradise Lost published? Again, ये question आपका 2011 में पूछा गया था. तो इसमें आपको answer देना है 1658. तो इसका जो correct answer है वो है हमारा option C, 1667. Okay, 1667 में Milton की Paradise Lost poem जो थी वो publish हुई है. अगले question की तरफ चलेंगे, number 49 question. Which of the following work did Milton promote freedom ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप. चलिए, ये क्वेश्चन हमने पूछ लिया है आपसे, और इससे पहले भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है हमारा, पहले भी हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को. तो ऑप्शन ए है पैराडाइज रीगेंड, ऑप्शन बी एरोपेजिटिका, सी सैमसन एगोनिस्ट, डी इकोनोक्लास्ट.
तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, एरियोपेजिटी का 1644 में ये पब्लिश हुआ है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन करते चलो। अगले क्वेश्चन की तरफ 50 नंबर क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट कंपराइजेस बुक्स, फिर से वही बात हो गई, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 2011 में ये रिपीट हुआ है फिर से क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, फिर से एक नया क्वेश्चन बना है पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड, 2011 में पूछा गया है। तो ये पोयम जो थी दोस्तों, ये जो लिखी गई है ये है हमारी, आप सभी जानते हो, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स आयम्बिक पेंटामीटर। अगला क्वेश्चन है, द फेमस लाइन व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय एडम, ईव, ब्लीजबर्ग या सैटर्न। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सैटर्न है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 52, जो कि 2011 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। कहां से लिया गया है? ऑब्वियसली पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। अगला क्वेश्चन रहा, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद, सॉलिलोक्वी, लैमेंट, इन्वोकेशन, रिफ्रेन, और इसका आंसर आप सभी जानते हो, दैट इज आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मिल्टन इज फेमस फॉर हिज, ठीक है, फिर से क्वेश्चन, तीन बार अभी तक हमने ये थर्ड टाइम है जब हम इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, इसके पहले एग्जाम्स में भी पूछा गया है, जैसे 13 में भी पूछा गया है आपका, जो डिस्कस किया हमने अभी। तो जानते हैं आप सभी कि मिल्टन जो फेमस है अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए फेमस है, तो ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ओके। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड्स दैट कंप्लीट्स अ फेमस लाइन, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन। अब यहाँ पे आपका डैश है, इस डैश में कौन सा वर्ड जो है वो फिल करना है, क्योंकि ऊपर सेंटेंस में दिया गया है, द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन, इस फेमस लाइन को जो वर्ड कंप्लीट करता है वो वर्ड कौन सा है, स्काई, अर्थ, हेवन या मून, और इसका आंसर है हेवन, ओके। लाइन क्या है पूरी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, तो ऑप्शन यहाँ पे हेवन आएगा, इट्स डैश को जो फिल करेगा हेवन होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 56, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड, फिर से रिपीट किया गया है क्वेश्चन, और 44 एज थी उनकी जब इस मिल्टन टोटली जो थे पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन 2011 में है, फिर से पूछा गया है, जो हु सेड द पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, और हम सभी जानते हैं इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, विलियम ब्लेक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस ऑफ जॉन मिल्टन, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, अब बताना है इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है मिल्टन के रेफरेंस में कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन है, इन 1671 मिल्टन इश्यूड हिज लॉस्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच कंटेन्स पैराडाइज रीगेंड एंड सैमसन अगेनिस्ट, ऑप्शन बी है, सैमसन अगेनिस्ट इज इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ऑप्शन सी है, पैराडाइज रीगेंड इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन डी है, लिसीडास हैज द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसेरियन वर्स, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है यही रॉन्ग है यहाँ पे, कि सैमसन अगेनिस्ट जो है वो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन को फॉलो करते हुए प्ले लिखा गया है, तो यहाँ पे ये है कि इट हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा नंबर 59 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय मिल्टन, इन चारों ऑप्शन में से मिल्टन का कौन सा वर्क है वो नहीं है, ऑप्शन ए है, एरियोपेजिटिका ऑफ एजुकेशन, ऑन शेक्सपियर, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये मैथ्यू प्रॉयर का वर्क है, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 59 के बाद 60 क्वेश्चन है, और 60 क्वेश्चन में ये है पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, द पैशनेट पिलग्रिम्स, या द लेट ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पैंडमेंट, या ऑन हिज ब्लाइंडनेस, विच वन इज द करेक्ट आंसर, जो कि मिल्टन ने नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे
बी करेक्ट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर. द पैशनेट पिलग्रिम्स इज नॉट रिटन बाय मिल्टन, दिस इज रिटन बाय ये एट्रीब्यूशन था एक तरीके से विलियम शेक्सपियर का, और विलियम जैगर्ड ने इसको पब्लिश करा है. ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लीजिए आप. ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ प्रीकर्सर टू लिसिडास, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ कर्टल सोनेट, मिल्टन डिड नॉट गिव इट अ टाइटल टू हिज सोनेट, एंड द टाइटल ऑफ द ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट या नन ऑफ द अबव. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है मिल्टन के सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड. तो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि मिल्टन ने अपने इस वर्क को कोई टाइटल नहीं दिया था जो ये था ऑन हिज ब्लाइंडनेस. उन्होंने बस यही लिखा था, जो लाइन थी पहली लाइन, लेट मी, उन्होंने लिखा था व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज लाइट इज स्पेंट, ये लाइट टाइटल दिया था व्हेन आई, क्योंकि ये ओपनिंग लाइन है इस पोयम की, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट. ठीक है, ये टाइटल था इसका. ओके, तो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस था टाइटल, ये बात के एंथोलॉजिस्ट ने इसको दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो. माय फादर डेस्टिन्ड मी फ्रॉम माय इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर व्हिच आई एम्ब्रेस्ड विद सच एविडिटी दैट फ्रॉम द एज ऑफ 12 आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट. जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्थी, वर्ड्सवर्थ या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. यहाँ पे ए एल टेनिसन होना चाहिए था, एल ए टेनिसन है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन. हाँ सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. मिल्टन के बारे में मिल्टन ने ये लाइन अपने फादर को एक तरीके से रिमार्क करते हुए या डेडिकेट करते हुए लाइन लिखी हुई है. अगला क्वेश्चन है नंबर 63, फ्रॉम होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन द फेमस लाइन थाई सोल वॉज लाइक अ स्टार डेवल्ड अपार्ट, एंड ऑब्वियसली वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. जॉन मिल्टन है, लंडन 1802 ये पोयम है. ठीक है, लंडन 1802. अगला क्वेश्चन है नंबर 64, मिल्टन्स पैराडाइज रीजन टेक्स इट्स थीम्स फ्रॉम. टीजीटी 2016 में पूछा गया है, ल्यूक्स गॉस्पेल इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. ओके, 65 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैस्टोरल एलेजी. 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी के पेपर में रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. दिस इज अ पैस्टोरल एलेजी दैट वॉज रिटन बाय जॉन मिल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क. अगर जॉन मिल्टन के वर्क की बात करें तो कौन सा मिसमैच्ड है इसमें से, ऑफ एजुकेशन, एरियोपेजिटिका, लिजिडास या पैराडाइज लॉस्ट. इनके पब्लिकेशन ईयर के बारे में पूछा गया है, तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा मिसमैच है, क्योंकि जो एरियोपेजिटिका की बात करें तो ये 1647 में नहीं, एरियोपेजिटिका जो था वो 1644 में पब्लिश हुआ है. ठीक है, जो कि इनका एक लाइसेंस से रिलेटेड इनका वर्क था, दिस वॉज अ प्रोज वर्क, एरियोपेजिटिका 1644 में पब्लिश हुआ है, तो ये इनका ऑप्शन मिसमैच है. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. नंबर 67, हु इज ऑफन कॉल्ड द पॉलिटिकल सन ऑफ द स्पेंसर. पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसको बोला जाता है, ऑब्वियसली वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्टन स्टेट्स दैट व्हाइल द स्टिल मोर वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे. किस पे ये लाइन इन्होंने बोली हुई है, जॉन मिल्टन ने अपने किस वर्क में ये लाइन बोली हुई है, इसका आंसर करिए आप सभी. लिग्रो, एल्पेंसिरेसो, लिसिडास या कोम्यूज. ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है, और वो है हमारा ऑप्शन सी, लिसिडास. ओके, ऑप्शन सी लिसिडास इज द व्हाइल स्टिल मोर वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 69, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ. अपने आप को किस से कंपेयर नहीं किया है मिल्टन ने. ऑप्शन ए लिसिडास, ऑप्शन बी ब्लाइंड थैमिसिस, ऑप्शन बी ब्लाइंड मैक्नोडियस या ऑप्शन डी है थायसियास एंड फिनियस.
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लीसी दास से अपने आप को कंपेयर नहीं किया हुआ है, ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 70, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रिफर्स टू, ठीक है, ओरेब जो है ये किसको रेफर किया गया है, जो ओपनिंग इन्वोकेशन है 1 to 26 लाइंस जो उसमें इन्वोकेशन किया है गॉड का, और पैराडाइज लॉस्ट लिखने का एक इंटेंशन अपना उन्होंने शेयर किया हुआ है मिल्टन ने, तो ओरेब जो यहाँ पे रेफर किया गया था वो किसको, किस माउंट को रेफर किया गया है, सियोल स्प्रिट या एयन एओनियन या माउंट होरेब, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, माउंट होरेब को यहाँ पे ओरेब के थ्रू रेफर किया गया है। अगला क्वेश्चन है 71 का, 2016 में बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पैराडाइज लॉस्ट या जॉन मिल्टन से रिलेटेड, अप्रोक्सीमेटली 16 टू 17 क्वेश्चन है जो कि 2016 में भी पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ये वर्क है, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, वी ऑल नो द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द पैराडाइज लॉस्ट, 1 to 26 लाइन में इन्होंने जस्टिफाई बताया है कि मैंने क्यों ये पोयम लिखी हुई है, और यही लास्ट लाइन है 1 to 26 की जो आपकी ओपनिंग लाइन्स है पैराडाइज लॉस्ट की जिसमें इन्वोकेशन करते हैं, और लास्ट लाइन है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, इन विच वर्क ऑफ मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर, अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ईयर में, तो आपका ये आंसर होगा ऑप्शन बी सैमसन एगनेस्ट, ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 173 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दे ऑल्सो सर हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम, अभी इस क्वेश्चन को भी हमने पढ़ा था, डैफोडिल्स में दिया गया है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी गई है, ग्रेशियन अर्न में लिया गया है, या आपका है ट्रू लव से है, या ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एंड वी ऑल नो द आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम इज द कंपोज इज नॉट कंपोज बाय जॉन मिल्टन, यहाँ पे नॉट दिखा गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ट्रू लव, इल पेंसोरेसो, एलेग्रो, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, दिस इज द वर्क ऑफ द शेक्सपियर, ओके। ये ट्रू लव क्या है, सोनेट है शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर का ये वर्क है। अगला नंबर 75 क्वेश्चन, दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हूज साउंड वॉज लाइक द सी, प्योर एज द नेकेड हेवंस, मैजेस्टिक फ्री, द अबव लाइंस आर रिटन फॉर, किसके लिए लाइन लिखी गई है, ऑप्शन 21 में ये पेपर पूछा गया है, 21 के पेपर में, 2021 के पेपर में टीजीटी के, यूपी टीजीटी के, तो ये लाइन जो लिखी गई है ये ऑप्शन डी मिल्टन के लिए लिखी गई है, दाउ हैजेस वॉइस हूज साउंड वॉज लाइक अ सी, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इसके लिए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 76 क्वेश्चन, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2016 में भी हुआ था, और ये क्वेश्चन हमारा आंसर है ऑप्शन ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम से ये लाइन ली गई है। अगला क्वेश्चन है नंबर 77, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन, मिल्टन का ऑन शेक्सपियर किस ईयर में पब्लिश हुआ है, आपको इसका आंसर देना है 1629, 1632, 1630 या 16 आपका है 1687, विच वन इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ये होगा, किस ईयर में इसको पब्लिश करा गया था, ये कब पब्लिश हुआ था 1632 में, क्योंकि और पब्लिश कब हुआ है मिल्टन, ये 1632 में पब्लिश हुआ है, बट ये लिखा किस ईयर में था, रिटेन अगर बात करें तो 1630 में लिखा गया है, ठीक है, राइटिंग ईयर जो था ये 1630 था, कंपोजिशन इसका, और 1632 में ये पब्लिश हुआ है, ये सेकेंड फोलियो में शेक्सपियर्स के प्लेस के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, एरियोपेजिटिका ऑफ एजुकेशन, ऑन शेक्सपियर, या अल्मा, और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ है, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैस्टोरल एलेजी, पैस्टोरल एलेजी की बात हो रही है, कौन सा है इसमें से, फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है 2021 में, और लीसी दास इसका करेक्ट आंसर है। 79 के बाद 80 क्वेश्चन है, लैप मी नॉट इन सॉफ्ट लीडियन एयर्स मैरिड टू इमॉर्टल वर्ड्स सच एज द मीटिंग सोल में पीस फियर्स इन नोट्स विद मेनी अवेंडिंग बाउट द अबव लाइंस अपीयर्स इन इल पेंसोरेसो एलेग्रो लीसी दास टू एंड
सॉन्ग ऑफ फ्रॉम आर्केड्स, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एलेग्रो से ये लाइन ली गई है। देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें जो है 2021 में जो पेपर में पूछा गया है मिल्टन से रिलेटेड, उसमें तो दो तो आपके कोटेशन ही पूछ लिए गए हैं, तो उस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा। समटाइम्स आपका इस ईयर भी रिपीट हो सकता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको ध्यान दीजिएगा किस वर्क से ये लिया गया है एलेग्रो। अगला क्वेश्चन है हमारा 81 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। फिर से इस क्वेश्चन को बताइए कौन सा इसमें से जॉन मिल्टन के थ्रू नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन इसका जो है सी है, द इनर विजन। द इनर विजन इज नॉट रिटन बाय द बाय जॉन मिल्टन। नाउ लेट्स डिस्कस यूपी टीजीटी रिलेटेड एमसीक्यूज ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन हमारा है 2004 यूपी टीजीटी से रिलेटेड। द प्रिलूड इज द वर्क ऑफ, किसका वर्क है प्रिलूड, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइटर, इज द पोएट हु हैड कंपोज दिस वर्क द प्रिलूड, जिसको हम ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बोलते हैं वर्ड्सवर्थ का, ऑटोबायोग्राफिकल। ओके, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ये इसका सब टाइटल है जो कि वर्ड्सवर्थ ने इसको दिया है, और एक तरीके से ये डेडिकेट किया था वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज को। ठीक है, तो 1850 का प्रिलूड पब्लिश हुआ था 1850 में, और ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड इज द सब टाइटल ऑफ दिस वर्क। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स। 2004 में ही पूछा गया है क्वेश्चन कि इंटरप्रेटर ऑफ नेचर का कौन है इन मेनी मूड्स, ये कुछ किसको बोला जाता है इन चारों ऑप्शंस में से। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का 2004 से 2021 के पेपर्स में, जितने भी क्वेश्चंस आपके वर्ड्सवर्थ से पूछे गए हैं वो सब कुछ आज की इस क्लास में इंक्लूडेड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंग्लिश रोमांटिक पोएट। इंग्लिश रोमांटिक पोएट की बात हो रही है, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, पीडी वुडहाउस में से कौन सा रोमांटिक पोएट है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। शेक्सपियर को आप एलिजाबेथन एरा से काउंट करते हो, अगर जॉन मिल्टन की बात करते हैं तो वो भी एलिजाबेथन एरा में काउंट होते हैं और साथ ही साथ जकोबियन एरा में काउंट होते हैं, प्यूरिटन एज में काउंट होते हैं। तो ये है इंग्लिश रोमांटिक पोएट की बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ, शेली, कॉलरिज, कीट्स आर द इम्पॉर्टेंट पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज, या इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स हैं कीट्स, शेले, कॉलरिज, बेरॉन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 2005 में पूछा गया है टीजीटी के पेपर में, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वॉज। पोएटिक करियर की बात हो रही है विलियम वर्ड्सवर्थ के, तो आपको इसका आंसर बताना है। कमेंसमेंट की बात करते हैं कि शुरुआत क्या थी, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ के इसकी बिगिनिंग बताना है, आरंभ की बात करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक करियर का जो स्टार्टिंग था वो कब से स्टार्ट हुआ आपको बताना है। 1792, 1793, 1795, 1796, 1797, 1798, 1790 to 1791, तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है। 1797 से 1798 के का टाइम था जब इन्होंने अपना पोएटिक करियर जो था एक तरीके से स्टार्ट किया था। नंबर यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, स्क्रीन पे रहा आंसर करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ लिव फॉर 50 इयर्स अमंग दी, कहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं आपको इसका आंसर देना है। जो 50 इयर्स था विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑलमोस्ट वो कहाँ स्पेंड किया हुआ है उन्होंने। ऑप्शन ए है कम्बरलैंड डेल्समैन, ऑप्शन बी एल्फॉक्सडेन विलेजर्स, हॉक्शेट कंट्रीमैन, फ्रेंच रेवोल्यूशनरिस्ट। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें से आप आंसर करिए, और इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, कम्बरलैंड डेल्समैन इज द करेक्ट आंसर, जहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऑलमोस्ट 50 इयर्स अपना स्पेंड किया हुआ है इसी जगह पे, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, कम्बरलैंड डेल्समैन दिस इज द प्लेस वो जो कि इंग्लैंड में है, कुकरमाउथ जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट नंबर 5 के बाद 6 क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ।
आपको बताना है कि किस इसमें कौन सा वर्क ऐसा है जो विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है. ऑप्शंस है यहाँ पे माइकल, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी यहाँ पे है हमारा द ब्यूटियस इवनिंग, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, तो एंड ऑप्शन डी है द मे क्वीन. तो करेक्ट आंसर जो है कि वर्क जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है वो है हमारा द मे क्वीन. मे क्वीन किसका वर्क है? ये है टेनिशन का वर्क. ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन विक्टोरियन पोएट जिनको हम बोलते हैं. इनको रिगार्ड किया जाता है एज अ द ऑथर ऑफ दिस वर्क दैट इज द मे क्वीन. ये बुक है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. नंबर 7 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स मे बिल्ड प्रिंसली थ्रोन ऑन अम्बल ट्रूथ फ्रॉम. कहां से सीखा है वर्ड्सवर्थ ने ये? वर्ड्स में बिल्ड प्रिंसली थ्रोन ऑन अम्बल ट्रूथ दैट इज फ्रॉम रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट ब्रिजेस, रॉबर्ट ब्लेयर या रॉबर्ट बर्न्स. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट बर्न्स. ओके, रॉबर्ट बर्न्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2005 में पूछा गया है. ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, तो एक बार ही इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2022 में. तो ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन 8 है, इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स इट्स. जॉर्ज क्रेबल, विलियम कॉपर एंड विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज क्रेबल. इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन ऑन लाइफ ऑन सिंपलर लेवल की बात करते हैं तो वर्ड्स पर जो रिजेंबल करते हैं वो जॉर्ज क्रेबल से रिजेंबल करते हैं. 2005 टीजीटीवी में ये पेपर क्वेश्चन आपका पूछा गया है. नंबर 9 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स पर ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फिनोमेनल. ऑप्शन बी द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस. ऑप्शन सी द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एसेंट टू फेम. वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलरिज. जो एक्सकर्सन इनका वर्क था जो कि डेटेड था 1814 का, ये किसकी बिगिनिंग का मार्क था? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस. दिस इज द मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस. अगर एक्सकर्सन की बात करते हैं तो ये इनके पोएटिक जीनियस का जो डिक्लाइन था इसका मार्क, इसकी बिगिनिंग का एक मार्क है एक्सकर्सन वर्क इनका. नंबर 10, 11, 12 क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप सभी के लिए. 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दिए, 2005 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी 2005 में. तो 10 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड्स लाइन सी गेव मी आईज सी गेव मी ईयर्स. यहाँ पे ईयर्स गैप होना चाहिए इस पे. And humble cares and delicate fears, where is reference to? कहाँ पे इसका reference है, किसके लिए इसका reference है? The words line, she gave me eyes. तो option A है, ये आपका river way की बात हो रही है, एनिटी बेलॉन की बात हो रही है, डोरिथी वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, एंसेस्ट्रल स्कॉटलैंड की बात है, सिस्टर के लिए बोली है, डोरिथी वर्ड्सवर्थ के लिए बोली है ये लाइन. तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे. और ये लाइन किस में बोली हुई है उन्होंने? द स्पैरो नेस्ट में. ओके, द स्पैरोज नेस्ट. ओके, दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, द प्रिलूड वॉज रिटन इन. किस ईयर में ये कंप्लीट हुआ था प्रिलूड जो वर्क था विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ का? 1802, 1805, 1806, 1807. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1805 में ये कंप्लीट हुआ था, बट ये जो पब्लिश हुआ है 1850 में पब्लिश हुआ है और ये 1798 के आसपास इन्होंने लिखना इसको स्टार्ट किया था और 1805 में ये कंप्लीट हो गया था ये वर्क प्रिलूड, जो कि एक मैग्नम ओपस वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का. 12 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रेंच वेयर ही वाज विटनेस टू द मिडिल स्टेजेस द फ्रेंच पोएटिक प्रैक्टिसेस द फ्रेंच ड्रामा द फ्रेंच कल्चर एंड ऑफ आर्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन. किसको विटनेस किया था जब वो 1791 में वहां पे थे? तो वो था द फ्रेंच रेवोल्यूशन को, उन्होंने इम्पैक्ट उसका जो था
1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और 1798 में जब उन्होंने वहां पे विजिट किया था, वहां पे थे वर्ड्सवर्थ, तो उन्होंने विटनेस किया था जो मिडिल स्टेज था विलियम फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसको इन्होंने फील किया, इसको इनके गवाह बने. एंड मोस्टली आप देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो रोमांटिक एरा के राइटर्स पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. चाहे आप शेली की बात कर लो, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर लो, इन सभी राइटर्स ने, इन सभी पोएट्स ने वर्ड्स जो इम्पैक्ट पड़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसके बारे में बात की है. उसके बाद की सिचुएशन क्या थी उसके बारे में भी अपने पोएम्स में उन्होंने बात करी हुई है. तो यहाँ पे नंबर 12 का क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट होगा. नंबर 13, 14 और 15 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. अब बाकी के क्वेश्चन आपके यहाँ पे टीजीटी 2006 से हैं, जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है. अब आप मुझे 13 नंबर का बताइए, द सॉलिटरी रीपर इज क्या है. सॉलिटरी रीपर जो वर्क है ये क्या है विलियम वर्ड्सवर्थ का, आपको बताना है. वो है ये बैलेड, या आपका है लिरिक, ओड, या है पैस्टोरल. व्हाट काइंड ऑफ पोयम इज दिस सॉलिटरी रीपर. सॉलिटरी रीपर की अगर बात करें इस पोयम की, तो ये एक लिरिकल पोयम है. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि 2006 में ये पूछा गया है सॉलिटरी रीपर. और ये वर्क जो पब्लिश हुआ है 1807 में पब्लिश हुआ है, 1807 में ये पोयम इनकी पब्लिश हुई है. और जो पोयम थी ये इनकी सिस्टर और इन्होंने मिलकर लिखी हुई है, उनसे इंस्पायर होकर के लिखी हुई है. नंबर 14 क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेड्स वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड. 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है. अगर 2006 की हम बात करते हैं और इस क्वेश्चन की स्पेशली बात करते हैं, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का कोलैबोरेशन वर्क था. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि लिरिकल बैलेड्स के नेम से फेमस है. और इसको रिगार्ड किया जाता है फर्स्ट वर्क ऑफ रोमांटिक एरा, इसी से बिगिनिंग हुई है रोमांटिक एरा की, ऐसा रिगार्ड किया जाता है. 15 नंबर क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर्स. किस टाइम ड्यूरेशन में वर्ड्सवर्थ ने अपनी बेस्ट ऑफ पोएम्स को लिखा है, आपको उसका आंसर देना है. 1798 to 99, 1788 to 1789, 1778 to 94, 1768 to 69. तो ऑप्शन यहाँ पे हम बात करते हैं 1798 to 99, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे. तो ऑप्शन ए पे टिक करिएगा, क्योंकि 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था और लिरिकल बैलेट्स में ही इसके जो नंबर 19 पोएम्स इंक्लूड थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंट्रीब्यूट किया था. तो 19 पोएम्स बेस्ट ऑफ द पोएम्स हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ की. और 1798 से 1799 का टाइम ड्यूरेशन था, जो इनके फाइनेस्ट पोएम्स आप इसी टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने कंपोज करा हुआ है. नंबर 16, 17, 18 क्वेश्चन है, 2006 से ही पूछा गया है ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे टीजीटी के, यूपी टीजीटी के. आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16, अ वायलेट बाय अ मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम दी. किस वर्क से ये कोटेशन लिया गया है, आपको इसका आंसर देना है. ऑप्शन ए ओड टू ड्यूटी, ऑप्शन डी लूसीज पोएम, ऑप्शन सी है द ग्रीन लिनेट, या ऑप्शन डी है सॉलिटरी रीपर. विच वन इज द करेक्ट आंसर. द वायलेट बाय मोजी स्टोन, ये है हमारा जो पोयम, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. लूसी पोयम से ये लाइंस ली गई है, ये कोटेशन जो है लूसी पोयम्स में अपीयर इसका मिलता है. और लूसी पोयम्स यहाँ पे जो पोयम थी स्विडल्ड अमंग द अनट्रोडन वेज, ये पोयम में लूसी पोयम का ये जो पार्ट था इससे ये लाइन ली गई है. तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट होगा. अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे स्वीट ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज आता है ऑप्शन में होगा, तो आप उस पे टिक करिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिया गया है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. नंबर 17 क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोयम मोस्टली डील विथ, किससे बिलोंग करती हैं वर्ड्सवर्थ की जो पोयम्स होती हैं, पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, अम्बल एंड रस्टिक लाइफ, या आपका है रेवोल्यूशन. और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, अम्बल एंड रस्टिक लाइफ ऑफ द कॉमन मैन, ये डिस्क्राइब होता है, ये डील करता है, मीन्स मोस्टली सब्जेक्ट मैटर आप वर्ड्सवर्थ की पोयम का इसी से रिलेटेड देखोगे. नंबर 18 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट, अपनी डेथ के पहले वर्ड्सवर्थ कहाँ पे रहते थे. ऑप्शन ए है रिडल माउंट, डो कॉटेज, ग्रैशमेर पर्सनेज, या एलन बैंक. तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, रिडल माउंट वॉज द प्लेस जहाँ पे अपनी डेथ के पहले ये रहा करते थे, इनका निवास स्थान था वर्ड्सवर्थ का. 1850 में इनकी डेथ हुई थी वर्ड्सवर्थ की. 1770 से लेकर के
1850 का जो टाइम ड्यूरेशन था ये वर्ड्सवर्थ का 80 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन वर्ड्सवर्थ ने लिव किया था और इसी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इंग्लिश लिटरेचर में पोएटिक जो वॉल्यूम्स थे पोएटिक कॉम्पोजिशंस थे अपने और एक रोमांटिक एरा के वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोएट रिगार्ड किए जाते हैं। 1920-21 क्वेश्चन 2000 आपका 6 से ही है। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक लिरिक ड्रामेटिक एपिक या नन ऑफ द अबव और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जो टिंटन एबे की बात करते हैं ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 20 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन आपको बताना है। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया तो एक तरीके से ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है 2006 में। आपको बताना है कि कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ ने 1805 में लिखी है, टिंटन एबे, प्रिलूड, लूसीज पोएम या सॉलिटरी रीपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रिलूड। 21 द प्रिलूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज अ पार्ट ऑफ द वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड द एक्सकर्शन द रेक्लॉस यारोलिजिटेड रिविजिटेड या रेक्लॉस। ये फिर से दो दो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं लिरिकल बैलेट्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रेक्लॉस जो एक ही एक को इंपॉर्टेंट इनका कॉम्पोजिशन होना था, इस पर थ्री पोएम्स और थ्री वॉल्यूम में ये लिखने वाला था, थ्री पार्ट इसके होने वाले थे बट प्रिलूड और एक्सकर्शन ही इसका कंप्लीट एक्सकर्शन ही कंप्लीट हो पाया रेक्लॉस का। रेक्लॉस कभी इसकी पोएम जो थी वो थ्री पार्ट्स में कभी ये कंप्लीट ही नहीं हुई है। प्रिलूड वॉज द वन जो कि पूरी तरीके से ये कंप्लीट हुई है, एक्सकर्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो पार्ट था किसका रेक्लॉस का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 22 2009 में पूछा गया है फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज अ रेफरेंस टू। कहां से इसका रेफरेंस, किसके लिए इसके रेफरेंस है। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। शेक्सपियर के लिए ये कोटेशन दिया है ब्राउनिंग ने या फेनिशियन वर्ड्सवर्थ या ड्राइडन, ये बोला है ड्राइडन ने सॉरी ब्राउनिंग ने किसके लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा और किस वर्क में बोला है उसका आंसर कर लीजिए आप सभी, फिर मैं उसको बताती हूँ। 24 क्वेश्चन है आपके लिए एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर दी वर्ड्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2009 में पूछा गया है। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर शेले कीट्स बेरोन वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये वर्ड्सवर्थ की लाइंस हैं कि जो पोएट होता है वो एक ग्रेट टीचर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और जैसा मैंने क्वेश्चन 22 में पूछा था कि ये लाइन ब्राउनिंग ने किस वर्क में लिखी है, किस पोयम में लिखी है, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस टू लॉस्ट लीडर, ओके लॉस्ट लीडर इज द नेम ऑफ द पोयम। ये पूछ सकता है कि उस पोयम का नेम आप बता दीजिए जहां पे ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने वर्ड्सवर्थ के लिए ब्राउनिंग ने बोली है। और ये जहां था ब्राउनिंग थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने जो इतनी एज होने के बाद उन्होंने अपना जो पोएट लॉरिएटशिप थी वो एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तो उसी लिए उन्होंने बोला फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये लाइंस ब्राउनिंग ने इसी पोएम लॉस्ट लीडर में ऐसा बोला हुआ है वर्ड्सवर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल बोर्ड मे टीच अस मोर ऑफ अ मैन ऑफ मॉरल एबिल एंड ऑफ गुड than all the sages can। ये बताइए आप ये किसने लिखा हुआ है, who said this, और ये भी साथ में बताइएगा किस पोयम में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ऑप्शन है मिल्टन वर्ड्सवर्थ, मिल्टन शेक्सपियर, गॉल्सवर्थी, वर्ड्सवर्थ। कहाँ पे ये है, ये बोला है किसने, वर्ड्सवर्थ ने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड अगर ये सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मे टीच का मतलब आ गया, टीच से आप समझ जाइएगा कि ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। और ये जो बोला हुआ है कि दिस लाइन इज फ्रॉम द पोयम द टेबल टर्न द टेबल्स टर्न, और ये लाइन है वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मोर मॉरल एविल एविल एंड ऑफ गुड दैन ऑल द सीजेस कैन। 26 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द गॉड अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टर्मोल्ट ऑफ द सॉयल सोल द वर्ड इज टू मच विद अस टेबल टर्न ओड टू ड्यूटी लोडामिया and the option is option D, Lodamia is the correct answer। ये lines जो है Lodamia से ली गई है।
और इसकी बात करते हैं लुडेमिया की, तो ये एक नैरेटिव पोयम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है लुडेमिया, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। अगला क्वेश्चन है नंबर 27, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो। दिस इज फ्रॉम द पोयम द सॉलिटरी रीपर, थ्री इयर्स यू ग्रू, या माइकल, या एन इवनिंग वॉक। कहाँ से ये लाइन ली गई है, आपको इसका आंसर देना है, किस पोयम से। यहाँ पे जो पोयम से ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है, आपको इसका बताना है आंसर, किस पोयम से ये लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सॉलिटरी रीपर से ये लाइन ली गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है सॉलिटरी रीपर, उसी से इसका इस लाइन को एग्जर्ट किया गया है, इसका रेफरेंस वहीं से मिलता है। 27 के बाद 28, 29 एंड 30 क्वेश्चन है, द साउंडिंग कैटरेक्ट हंटेड मी लाइक अ पैशन, दीज लाइंस अकर इन द पोएम। देखिए बहुत सी लाइंस जो है विलियम शेक्सपियर की वो पूछी गई हैं, तो इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगी, जो इंपॉर्टेंट लाइन से रिलेटेड विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से लिया गया है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा, एमसीक्यूज के फॉर्म में होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने सेपरेट वीडियो में, जो कि इसके बाद होगा। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, ये ली गई है टिंटन एबे से, द साउंडिंग कैटरेक्ट हंटेड मी लाइक अ पैशन, जब रिविजिट किया था टिंटन एबे को विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो ये लाइन उन्होंने वहां पे लिखी थी इस पोयम टिंटन एबे में। 29 पोयम है, रॉबर्ट साउदी वॉज सक्सीडेड बाई एज अ पोएट लॉरिएट इन ऑफ इंग्लैंड, टेनिशन, एर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ, शेली। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ये होगा वर्ड्सवर्थ। सक्सीडेड मीन्स वर्ड्सवर्थ इनके बाद आए थे, रॉबर्ट साउदी के बाद वर्ड्सवर्थ जो थे उनको पोएट लॉरिएटशिप दी गई थी इंग्लैंड के बाद। और अगर वर्ड्सवर्थ के बाद की बात करते हैं तो दैट वाज टेनिशन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वर्ड्सवर्थ वाज सक्सीडेड बाय एज अ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, तो वो होगा टेनिशन आंसर। ओके, नंबर 30 की तरफ चलते हैं, द लाइन ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन अकर इन दी पोएम। 2009 में देखिए बहुत से क्वेश्चंस कोटेशन से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट लाइन से पूछी गई हैं, तो ये जो लाइन है ये किसने पोएम ऑफ किसकी पोएम की है, आपको इसका आंसर बताना है। तो बिना डिले किए हुए जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ पे टिक करेंगे, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, पोएम है, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये लाइन फ्रेंच रेवोल्यूशन पोयम से ली गई है, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जैसे मैंने अभी बताया आपके। इसके बाद 31, 32, 33 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2013 टीजीटी से ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, आपको बताना है। नंबर 31, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रीलूड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 14 पार्ट्स में प्रीलूड को डिवाइड किया गया है, इसमें 14 बुक्स हैं। विच हु इज द राइटर ऑफ द रेकलॉस, ऑप्शन ए बी सी डी में से, 2013 में ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी डी इज द करेक्ट आंसर, वर्ड्सवर्थ इज द राइटर ऑफ द रेकलॉस। क्वेश्चन 33, इन विच ईयर द प्रीलूड वॉज पब्लिश, एंड द ईयर वॉज ऑप्शन सी 1850 वॉज द ईयर वेन दिस पोयम द प्रीलूड वॉज पब्लिश, 1805 में ये कम्प्लीट हुई थी बट 1850 में इसको पब्लिश करा था, किसने पब्लिश किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ मेरी वर्ड्सवर्थ ने इसको पब्लिश करा था। एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36, क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर का नेम बताना है आपको, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन से करेक्ट आंसर है, जल्दी से इसका आंसर करिए। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी इज द आंसर। डिस्क्रिप्टिव अगर स्केचेस की बात करें तो ये हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम्स हैं, और इन्होंने ये बुक जो है डिस्क्रिप्टिव स्केच 1793 में पब्लिश हुई है, ठीक है, ऑलराइट, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1793, एंड इवनिंग वॉक के साथ में ये पब्लिश हुई थी, ये भी वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है। अगला नंबर, नंबर 35 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन इंपल्स फ्रॉम अ वनरल बूट द अबव लाइन अपीयर, इस लाइन को देखिए अभी हमने डिस्कस करा था इस क्वेश्चन को, तो ये रिपीट हुआ है 2013 में ये पेपर, ये क्वेश्चन 2009 में ही पूछा गया था और फिर से इसको रिपीट किया गया है 2013 में, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। टेबल्स टर्न का ये लाइन ली गई है,
वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड इज द लाइन फ्रॉम द पोयम टेबल्स टर्न्ड. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36, हु हैज रिटन रूथ. आपको इसका आंसर बताना है किसने लिखा हुआ है. अगर ये पोयम को सेपरेटली पूछा जाता है तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को लिखा हुआ है. रूथ पोयम की बात करते हैं, ये जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर पोयम नहीं थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा. नंबर 36 के बाद 37, 38, 39 क्वेश्चन है. 37 को देखते हैं. वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोयम द प्रीलूड ओड टू ड्यूटी इस्लेसियास्टिकल स्केचेस या ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी. किस पोयम में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना व्यू एक्सप्रेस किया है रिलेटेड टू द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, एंड दैट इज ऑप्शन डी. ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी टिक कर लीजिएगा. क्वेश्चन को रिपीट करके एक बार फिर से देखिएगा. अभी तक के जो क्वेश्चन आपके स्किप हो गए हैं 2004, 6, 11 और 9 के क्वेश्चन, तो उनको जरूर आप फिर से रिवर्स करके वॉच आउट कर लीजिएगा. तो अभी मुझे इस लाइव क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं. नंबर 38 क्वेश्चन को देखते हैं. Who has written Peter Bell among the following? Peter Bell किसने लिखी हुई है, आपको आंसर बताना है. वर्ड्सवर्थ ने, गॉल्सवर्दी ने, या आपका है शेक्सपियर ने या जॉन मिल्टन ने. पीटर बेल पोयम है जो कि लिखी है किसने, वर्ड्सवर्थ ने. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ. 2013 में TGT के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है. और ये क्या है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, ठीक है, वर्ड्स फॉर्म में लिखी गई एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है. देखिए कभी कभी पोयम्स आपसे पूछ लेता है, जैसे सॉलिटरी रीपर का पूछा गया है, वो क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि किस तरीके की पोयम है, और प्रीलूड का भी पूछ सकता है किस तरीके का वर्क है. तो ऐसे पीटर बेल आपका जो है ये पोयम है जो कि लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, वर्ड्स फॉर्म में लिखी गई है. नंबर 39 की बात करते हैं. वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न. ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा. यहाँ पे कुकर माउथ में पैदा हुए थे, कुकर हिल नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. कुकर माउथ वॉज द प्लेस जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ के रिगार्डिंग यूनाइटेड किंगडम में जो प्लेस था. तो ऑप्शन डी को करेक्ट करिएगा. 39 के बाद 40, 41, 42 क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन, कौन सा है. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स. The above line is has been quoted from the which work of Wordsworth, that is from Ted Turnabout. The world is too much with us, ode on an intimation of immortality, Lucy Gray. The little we see in nature is from the poem, option B. The world is too much with us, option B हमारा जो correct answer है. इस poem इसको correct करिएगा option B को. The world is too much with us. Number 41, an evening walk is written by. 2011 में पूछा गया है. An evening walk is a work of ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है. एंड इवनिंग वॉक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. देखिए चारों जो राइटर्स के नेम पूछा है या पोएट के नेम पूछा है वो सब आपका TGT के ऑथर से ही पूछा है, कोई अलग से ऑथर को नहीं पूछा है. तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है अगर ये सेपरेट क्वेश्चंस आपके अलग से पूछे जाते हैं, जैसे क्योंकि पेपर में तो आपका अलग अलग ही पूछा जाएगा, वो इंडिकेट करके नहीं रहेगा कि ये स्पेसिफिकली वर्ड्सवर्थ का सेक्शन हम पूछ रहे हैं. तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना है आपको. और ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़ के जाइए, कौन कौन से वर्क हैं, कौन कौन से कोटेशंस हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. स्पेशली वर्क जितने लिखे गए हैं जिन राइटर्स ने, और साथ ही साथ जितनी कोटेशंस हैं या लाइन्स हैं, फेमस लाइन्स हैं, उनको तो सेपरेटली जरूर ध्यान दीजिएगा. नंबर 42 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. Which of the following work is not written by Wordsworth? आपको बताना है किसने इन चारों में ऑप्शंस में से अपना ये वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है. तो ऑप्शन कौन सा इसमें आंसर करेक्ट आंसर होगा, वो है हमारा ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर. बियॉन्ड इज द नॉट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ. ठीक है, बियॉन्ड किसका, ये किसका वर्ड्सवर्थ नहीं जो वर्क है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43.
Who refers William Wordsworth as an enduring man? Ever enduring man. ये Wordsworth को किसने refer किया है? Important question है. और option D हमारा correct answer होगा. S. T. Coleridge. Number 44. In which work of Wordsworth does the line appear? Still sad music of humanity occur. Still sad music of humanity occur की बात हो रही. तो ये किस poem में मिलता है? चिंचन एवे, प्रिलूड, रेकलॉस या इंटीमेशन और इमोर्टेलिटी. तो ये जो पोयम है स्टिल सैड म्यूजिक की बात करते हैं तो ये हमारा इमोर्टेलिटी ओड से लिया गया है. तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए पिक करिएगा. टेक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द स्टिल सैड म्यूजिक इज ऑफ ह्यूमैनिटी इज फ्रॉम द पोयम चिंचन एबे. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. 45 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 45 क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अकर्स आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग. इंटीमेशन ऑफ ओड है, सॉरी इमोर्टेलिटी ओड, रेकलॉस, टिंचन एबे या प्रिलूड. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. इमोर्टेलिटी ओड, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी ओड से ये लाइन्स ली गई हैं. आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है. और स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो जब वो रिविजिट करा है टिंचन एबे को, ऐसा आप एक कनेक्शन बनाइएगा. फिर उन्होंने जब रिविजिट किया है तो वहाँ पे फिर से वो म्यूजिक उस चीज़ को विजिट करते हैं और वो वही चीज़ पाते हैं जो उन्होंने पहले भी मिलती है. तो टिंचन एबे की वहाँ पे बात होगी. आवर बर्थ की बात करते हैं तो वो इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, जिसमें चाइल्डहुड आपका लास्ट में आता है, तो बर्थ और चाइल्डहुड को कनेक्ट करके इमोर्टेलिटी ओड को आप कनेक्ट करिएगा. तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा. अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं. 46 क्वेश्चन नंबर. लिटिकेट बैलेट वॉज पब्लिश इन द ईयर. ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 1798 वॉट द टाइम, जब ये कोलेबरेशन वर्क वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का पब्लिश हुआ है. 1749 47 क्वेश्चन. विच ऑफ वर्क विच फॉर्म ऑफ द पोएट्री इज द सॉलिटरी रीपर. फिर से रिपीट किया गया क्वेश्चन है तो आपको आंसर देना है ये क्या है, एक लिरिक पोयम है. तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है, दिस इज अ लिरिक पोयम, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे. 48 इन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी पर द सॉलिटरी हाईलैंड लैस इज अ यंग लंग या अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन लैंड्स, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम या नन ऑफ द अबव. तो 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड, ये 2021 में भी पूछा गया है. द सॉलिटरी हाईलैंड्स लैस की बात करते हैं तो वो क्या है, ऑप्शन सी अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड इज द करेक्ट आंसर. 49 क्वेश्चन है. फ्रॉम विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ द लाइन अपीयर्स आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज टेकन. हमने कहां से बात की थी, ऑप्शन ए की बात की थी, करेक्ट आंसर है. अभी हमने ये डिस्कस किया. इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को बर्थ से कनेक्ट करिएगा, आपको इजी आंसर मिल जाएगा इसका कि आवर बर्थ इज बट, ये किससे रिलेटेड है, जिस पोएम में चाइल्डहुड मेंशन है वर्ड्सवर्थ की, और चाइल्डहुड किस पोएम में मेंशन है, ये इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी ओड में मेंशन है. ओके, नंबर 50 क्वेश्चन है. वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बॉर्डरर्स, ये इनका इकलौता वर्क है जो कि किसकी कैटेगरी में आता है, वर्ड्स ट्रेजेडी की कैटेगरी में आता है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा और ये शायद इनकम्प्लीट वर्क है इनका वर्ड्सवर्थ का. 51 की तरफ चलेंगे, एक बार रीचेक करके मुझे बता दीजिएगा आप सभी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, लंडन 1802, सॉलिटरी रीपर, लंडन या स्ट्रेंज फिट्स पैशन हैव आई नोन. तो ऑप्शन सी पे हमने करेक्ट कर रखा है यहाँ पे. लंडन, दिस इज अ पोएम ऑफ विलियम ब्लेक. ओके, ये किसकी पोएम है, विलियम ब्लेक की पोएम है, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम नहीं है. बाकी 1802, सॉलिटरी रीपर, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है, WW की. तो ये पोयम को जरूर ध्यान दीजिएगा, इस पोयम को एक्सपेक्टेड पोयम है जो पूछा जा सकता है शायद आपके एग्जाम में कि ये पोयम किसने लिखा है या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ, और उसमें इस पोयम का नेम मेंशन रहेगा. बाकी सभी जो अदर तीन ऑप्शंस होंगे वो किसी और ऑथर से पूछ सकता है वो. तो 51 के बाद 52 लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, ये किस लाइन से, किस पोयम से लिया गया है, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, फिर से क्वेश्चन ये पूछ गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है. ऑप्शन डी इज द आंसर, द वर्ड इज टू मच विद अस इज द आंसर. 53 क्वेश्चन है. हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, 21 में पूछा गया है देखिए ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा किस में पूछा गया था, 2011 में भी पूछा गया था. तो रिपीट क्वेश्चन है ये फिर से, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिपीटेड क्वेश्चन. तो इसको किसने बोला है, ऑप्शन डी विलियम एस टी कॉलरिज ने, ऑप्शन डी पे क्लिक करिए.
54 question, which of the following work of William Wordsworth is written in six line stanza and shows desired sign of immaturity. देखिए यहाँ पे question, यहाँ पे William Shakespeare से एक question आ गया है 2021 में जो इसमें mention किया गया है. आपका ये answer होगा option C, Venus and Adonis. 55, Wordsworth borderers come under the category of, फिर से repeat किया गया question है, तो इसके बाद हम करेंगे option D, Words tragedy. देखिएगा prose tragedy पे मत करिएगा, ये poetic tragedy है. ओके तो पोएट्री वर्स मीन्स क्या होती है, पोएटिक लाइन्स से रिलेटेड ये ट्रेजेडी है, तो वर्स ट्रेजेडी में लिखी गई है पोएटिक ट्रेजेडी. ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, प्रोज ट्रेजेडी पे मत टिक करिएगा. ओके, दिस इज द वर्क दैट कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ द वर्स ट्रेजेडी विच इज ऑल्सो नोन एज पोएटिक ट्रेजेडी. नंबर 56, इन विच इन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हायरलैंड लैस, फिर से रिपीट हुआ है 2021 में, और ये एक अगल फ्रॉम स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. 2011 में पूछा गया था तो ऑप्शन सी था वो, अगल फ्रॉम स्कॉटलैंड, बट यहाँ पे ऑप्शन बी कर दिया गया है, अगल फ्रॉम स्कॉटलैंड. तो 2011 के बहुत से क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुए हैं, फिर से 2021 के क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप जो भी पूछे जा रहे हैं. जैसे ये क्वेश्चन है, Thy soul was like a star dwelt apart, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे 22 में. तो ये लंडन 1802 की पोयम में लिखा गया है, वर्ड्सवर्थ की पोयम है, किससे रिलेटेड है, WW पोयम के है, अबाउट जॉन मिल्टन लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ये ध्यान दो आप और एक तरफ नोट डाउन कर लो, अबाउट जॉन मिल्टन, दिस कोटेशन वॉज सेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, Thy soul was like a star and dwelt apart. तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हमने 57 क्वेश्चन जो अभी तक के आपके 2004 से लेकर के 2021 के पेपर में विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड पूछे गए हैं, सभी का यहाँ पे क्वेश्चंस सभी इयर्स का मैंने इंक्लूड करा हुआ है इसी क्लास में.